नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए भिलाई में लघु उद्योग भारती सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति पहुंचे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। भिलाई में लघु उद्योग भारती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम विष्णुदेव साय समेत सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए। सीएम विष्णुदेव साय के आगमन पर उद्योगपतियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम साय ने सभी को संबोधित किया। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई का उद्घाटन किया गया था। ये संस्था छोटे उद्योगों को बड़े प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। एमएसएमई इकाई लद्दाख से कन्याकुमारी तक देश में 575 जिलों में ये काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे छोटे उद्योगों को क्या दिक्कत आती है उनको शासन तक पहुंचाने का काम किया जाए। उद्योगी सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योगों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमें बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती का आभार भी हम व्यक्त करना चाहेंगे। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। देर रात को लौटे थे, कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल हुए थे। और अभी सवेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक समीक्षा बैठक था जो भी लंबा चल गया, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है। और बहुत जल्दी में हम हैं, कहे कि कई कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए खालस है कि ये जो लघु उद्योग भारती है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला ये विशाल संगठन है। पूरे देश में करीब 1000 इस संगठन इकाइयां हैं और 65,000 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं। और ये भी गौरव की बात है कि संगठन का विस्तार सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में भी हुआ है। और निश्चित रूप से इससे ऐसे क्षेत्रों में हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और वहाँ पर उद्यमिता का विकास हो रहा है। और ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इस सम्मेलन का भी लाभ हमारे प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग कल कारखाना ये सब की बहुत संभावना है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। सबको मालूम है कि लोह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैला डीला कोयला प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर हीरा भी है, सोना भी है, टीना है, एल्युमिनियम है। तबीयत से भगवान छत्तीसगढ़ को बनाया है। यहाँ पर 44% हमारा ये प्रदेश भूभाग वनों से भी आच्छादित है। सैकड़ों प्रकार के यहाँ पर वनोपज भी है। यहाँ पर जो धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनत कश किसान हैं। उद्योग मंत्री जी बताए हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 यहाँ पर लागू कर चुके हैं। अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको कोई भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक जगह उनको जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होंगे उपलब्ध होगा, समय का भी बचत होगा। और लगातार हमारा उद्योग विभाग सलाह मशविरा करके नया उद्योग नीति को भी तैयार किया है, जिसको हम लोग प्रदेश की स्थापना दिवस
के अवसर पर लॉन्च करेंगे। उसमें हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है और नया उद्योग नीति 2024-29 लागू होने के बाद और फिर उसमें एमएसएमई विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा और मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। इसी के साथ श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उद्योग लघु भारती के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में इसकी 1000 इकाइयां हैं और 65,000 से ज्यादा सदस्य हैं। छोटा उद्योग करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई काम करती है। साथ ही सीएम साय ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की गई। ये उद्योग भारती के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें लघु उद्योग भारती के हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में दोनों प्रदेश से उद्यमी भी हैं। और निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की पूरे देश में 1000 इकाइयाँ हैं और 65,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। और ये लघु उद्योग भारती हमारे जो एमएसएमई के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको मतलब प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। और हमको लगता है कि ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है इसे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को लाभ होगा। सर, आज कैबिनेट की बैठक, आप लोगों ने बैठक ली थी आज पुलिस अधिकारियों के साथ, क्या इस निर्णय निकला? कैबिनेट का बैठक नहीं था, ये पुलिस का रूटीन बैठक था। इसमें समीक्षा किए हैं, ये रूटीन बैठक है, लगातार समीक्षा करते रहते हैं। एमएसएमई को छोटे उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उसी को लेकर खास कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों को और ज्यादा इसके लिए जागरूक किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप और जजपुर विधायक बालेश्वर साहू की परेशानी बढ़ने लगी है। बीजेपी के शक्ति और जांजगीर चांपा जिला अध्यक्षों और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के दोनों विधायकों पर युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी पीयूष जायसवाल को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीयूष जायसवाल और दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि इस मामले को लेकर कई पीड़ित परिवार ने अपनी समस्या बताई है। मैं खेती किसानी घर का खुद का गाड़ी चलाता हूं, जिसको मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा करके शेयर मार्केट में लगाने के लिए पीयूष जायसवाल नामक व्यक्ति को दिया था, जो 10% का रिटर्न दूंगा ब्याज महीने का करके मेरे को बोला गया था और मेरे को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। हाँ, चेक मेरे को 1 लाख का मिला था 1 महीने का, जिसको चेक को मैं, मेरे पास एक ही चेक था, इसको मैं चेक को लगाया नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही एविडेंस था। उसके अलावा एविडेंस उसको मैं निकालता तो 1 लाख मिल जाता, लेकिन बाकी पैसे मेरे फंस जाते क्योंकि मेरे को पता चला इधर उधर से कि पैसा नहीं मिल रहा है और पीयूष जायसवाल बाहर बाहर रहता है, मिलता नहीं है घर जाने से। ये मेरा साथी है एक यहाँ करनौत का, जिसके सहायता से मैं उससे मिला था। मैं पहले बहुत बहुत पहले गाड़ी चलाने आया करता था, हार्वेस्टर था घर का, तो लगाए तो बहुत लोग हैं सर, बोलते हैं सब, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता। मैं बमनिंडी थाना में इसकी रिपोर्ट शिकायत दर्ज करा चुका हूँ, अब उनसे न्याय की मतलब आशा में हूँ। बीजेपी वालों से मुलाकात मेरी, वहाँ थाना में कुछ लोग आए थे और भैया हैं और हम लोग बहुत भाजपा के पुराने बहुत बहुत दिनों से हैं, अलग कोई सदस्य वदस्य नहीं है, लेकिन हम लोग भाजपा के परमानेंट हैं आज तक। भाजपा विधायकों का नाम आ रहा है क्या, वो पहले बताया क्या था? नहीं, विधायक का नाम मेरा वो नहीं है सर, अपना पैसा लगाए हैं उसकी शिकायत किए हैं हमने। मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली, कुछ पीड़ित लोगों ने भी हम लोगों से आकर के गुहार किया कि पिछले साल भर से करीब विधानसभा चुनाव के पहले से पीयूष जायसवाल नाम का कोई व्यक्ति है जो कोड़ी शंकर का रहने वाला है, थाना बमनिंडी, उसका एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है जो शेयर मार्केट के नाम से और अवैध
फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग के नाम से कि भाई आपको आप इतना दोगे तो इतना पैसा दुगना हो जाएगा, आपको हर महीने इतना हम ब्याज देंगे, ऐसा एक पूरा गिरोह गांव गांव में फैला हुआ है हमारे जांजगीर चांपा जिले में, शक्ति जिले में, बलौदा बाजार में, मैंने पूरे क्षेत्र में, और इसके बहुत से एजेंट बिखरे हुए हैं। और वो लोग जो किसान परिवार है बेचारा, जो गरीब है, जो पूरे जीवन भर की कमाई को संचित किया है, उसके बच्चों को ये लोग झांसा में ला करके प्रलोभन दे करके फंसा रहे हैं। बहुत से लोग अपने खेत को गिरवी रख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत गोल्ड है घर में उसको गिरवी रख रहे हैं, लोगों से साहूकारों से पैसा उधार ले रहे हैं ब्याज पर, बड़े ब्याज पर, और पीयूष जायसवाल एंड कंपनी के झांसे में फंस रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पीयूष जायसवाल के साथ में जांजगीर चांपा के कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप और जयपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गलबैया बहाने फोटो चर्चा है कि ये विधायक जो है दुबई की यात्रा की है, उसके साथ अपराधी के साथ गोवा की यात्रा कर रहे हैं, तो इनके संबंध क्या है? ये जनता के सामने में उजागर होना चाहिए, ये जनता के सामने में साफ होना चाहिए। और अपराधी कहता है, पीयूष जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप और बालेश्वर साहू के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इनका संरक्षण प्राप्त है और परलक्षित भी होता है। तो एक तो इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस के कस्टडी में दोनों विधायक और पीयूष जायसवाल की कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि इनके संबंध कब से हैं, पीयूष जायसवाल ने कितने लोगों से पैसा लिया है, कितना अभी तक धन अर्जित किया है, इन दोनों कांग्रेस विधायक को कितना पैसा उन्होंने दिया है, कब कब दिया है, कहां पर दिया है, किसके माध्यम से दिया है, चेक से दिया है या नगद दिया है, दिन को दिया है या रात को दिया है। तो ये सारी चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। और हमारी तो मांग है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी टीम की, किन तीनों लोगों का, पीयूष जायसवाल और दोनों कांग्रेस विधायकों का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि असलियत जो है वो सामने आ सके। राजनीतिक संरक्षण के कारण भी इस तरह से ट्रेंडिंग हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पूछताछ पे मालूम चलेगा इनको संरक्षण कौन है, इनके आका कौन। हम तो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस क्षेत्र की गरीब जनता है, किसान है, और हमारी मांग है कि उनका पैसा वापस होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पर करनी चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र की गरीब जनता को फंसाया है। जनपद में भी होने के बाद भी जिस तरह से इनके साथ फोटोग्राफ्स और दुबई की यात्रा, विदेशों की यात्रा दिखाई दे रही है, कोई और भी संरक्षण हो सकते हैं या फिर ऐसा कहा जा सकता है? देखिए अभी तो वो सारी चीजें अदृश्य है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं नार्को टेस्ट हो तो नार्को टेस्ट में सब बताएंगे बेचारे कि हमको किसका संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस नेता का, कब कब हमको पैसा मिला है, किसने दिया है, तो ये नार्को टेस्ट में होगा ना, इसलिए नार्को टेस्ट कराना चाहिए उनका। और रायपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दो प्रभारी नियुक्त किए हैं, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और शिवरतन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में क्षेत्र में क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है, वहां के कार्यकर्ताओं का क्या रुझान है, इन सभी का ध्यान रखने, पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने का काम भी है। तो वही दोनों प्रभारी करेंगे। बता दें कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से 8 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, उनके केंद्र की राजनीति में जाने के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव माना जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। रायपुर उपचुनाव की तैयारी हो चुका है, रायपुर दक्षिण बिहारी जायसवाल जी, हम उनसे जाने की कोशिश करते हैं कैसे चेहरा है बीजेपी का आने वाला। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, और रायपुर दक्षिण का भी चुनाव
रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हम पोलिंग बूथ स्तर तक की तैयारी कर चुके हैं, हमारी बैठकें हो गई हैं और हमारे सभी प्रमुख नेता इस बात के लिए तैयार हैं कि हमको शीघ्र चुनाव कराना है और आज वो बेला आ गई। जी बृजमान अग्रवाल जी रायपुर के लोकप्रिय रहे हैं और क्या उनका भी राय इस चुनाव के लिए लिया था? हाँ निश्चित रूप से, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत आदरणीय नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं और तो कमेटी में है ही, उनकी राय निश्चित रूप से पार्टी सुनेगी और जो भी निर्णय होगा पार्टी का सामूहिक निर्णय होगा। कांग्रेस ताल ठोक रही है कि इस बार हमारी जीत होगी? कांग्रेस ताल तो हमेशा ठोकती है लेकिन उसका ताल रिजल्ट आने के बाद टूट जाता है, फिर वो ढूंढती है बहाने, कभी ईवीएम का तो कभी हमारे नेताओं का तो कभी मतदाताओं का तो कभी अपने कार्यकर्ताओं का। तो कांग्रेस अभी ताल ठोके कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ताल ठोकती है और जोर जोर से ठोके, भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इनका कहना है कि श्री जायसवाल का कि अब जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस तो अपना ताल ठोकती रहती है, यानी कभी ईवीएम मशीन पे ठोकती है तो कभी नेताओं का ठोक पर ठोकती है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में किस तरीके का तैयारी बीजेपी कराएगी, कौन सा चेहरा वापस रायपुर में आने वाला है, तब तक बने रहिएगा। और वही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने सूरजपुर मामले को लेकर भूपेश बघेल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है और निष्पक्ष जांच भी कर रही है, लेकिन षड्यंत्रकारी और राजनीतिक रण इस मुद्दे में इतना हावी हो चुका है कि जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी अनर्गल बातें कर रही है। मैंने देखा वीडियो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कबरधा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना SIT गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि SIT के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। भाई जिस पर आरोप है SIT के माध्यम से और जांच के माध्यम से वो जेल में है, मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके भी फांसी दे दें? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं, मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा, मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई FIR नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये हफ्ते वाला मामला, मुझे आश्चर्य है इस विषय का। और खबर बलरामपुर से, जहां दो पहाड़ी कोरवाओ से इंजीनियर ने जो है प्रधानमंत्री जनमन आवास के नाम पर ठगी कर ली है। आपको बता दें कि यह ठगी किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से की गई है। ये पूरा मामला कुसमी जिला पंचायत का है, रिपोर्ट देखिए। कोरवाओं से इंजीनियर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास के नाम पर ठगी कर ली। बता दें कि ये ठगी किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से की गई। ये पूरा मामला कुसमी जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुंदान के भुताही का है, जहां PM आवास के नाम पर पारा के दो पहाड़ी कोरवाओं से इंजीनियर ने रुपए लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों के लिए शासन की तरफ से समय समय पर निशुल्क अनेकों सुविधा दी जाती है।
पर उन सुविधाओं को पाने के लिए पहाड़ी कोरवाओं को शुल्क देना पड़ता है, या यूं कहें कि विभागीय अधिकारियों से अपने हक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पहाड़ी कोरवा को एक रकम देनी पड़ती है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शासन ने भले ही पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अनेकों सुविधा मुहैया कराती है, पर ये सब सुविधा कागजों में ज्यादा देखने को मिलती है और जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। अब तो ये हालात ये है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के रुपए भी अपने खाते में डलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही। कौन सा ग्राम पंचायत है? पंचायत कुंडा पड़ता है, राम प्रताप लकड़ा को। कौन है राम प्रताप लकड़ा? इंजीनियर। किसके माध्यम से दिए थे आप लोग पैसा? हम लोग घर के माध्यम से दिए। कितना दिए थे? 5,000। तो क्या आप लोग को मतलब आवास में पैसा डलवाने के नाम से पैसा लिए थे? जी सर। कितना कितना पैसा लिए सबसे? हम लोग का तो 5,000 दोनों का लिया है। हमारा पैसा वापस कर दे 5,000 नहीं है। हम लोग जंगली क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग पास कोई संसाधन नहीं है। गांव में आते हैं और मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं पैसा डर से। बोलिए, इंजीनियर को 5,000 हम लोग दोनों भाई दिए हैं। तो किसके माध्यम से आप लोग पैसा दिए थे उसके? अपने लिए पैसा दिया, तब पैसा डला गया। इंजीनियर? इंजीनियर साहब। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पिंडा है। और पारा कौन सा है? भूताही। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जो इंजीनियर साहब पैसा लिया है, हम लोग को पैसा वापस करना चाहिए। 5,000 दोनों भाई दिए हैं। इस मामले को लेकर हर खबर की टीम ने टिमन कोरवा और उसके भाई रमना कोरवा से बात की तो उनकी तरफ से बताया कि कुसमी जिले में पदस्थ इंजीनियर राम प्रताप लकड़ा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास का रुपए खाते में डलवाने के नाम से हम दोनों भाइयों से 5,000 रुपए लिए और इंजीनियर बोले कि रुपए दोगे तभी खाते में रुपए डाले जाएंगे। आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया गया है कि टीमन और रमना जो हमारा पुंदा ग्राम पंचायत है वहाँ पे इनके द्वारा तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे कुछ राशि लेने का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, यदि ये सत्यता पाई जाती है इसमें मैं जांच एक समिति तत्काल गठित कर रहा हूँ। यदि पहाड़ी कोरवा से इस प्रकार से आवास स्वीकृति के नाम पे किसी भी प्रकार की राशि ली गई है तो निश्चित तौर पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार हमने टीमन का और रमना का जनपद से इनका तीनों किस्त भी प्रदाय की जा चुकी है, इनके घर का गृह प्रवेश भी हो गया है, इनका घर भी पूर्ण रूप से बन चुका है, लेकिन फिर भी यदि तकनीकी सहायक के द्वारा किसी भी प्रकार से घर को पूर्ण कराने में या घर को पास कराने के नाम पर शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में इस तरीके से धांधली या ऐसे पैसे लेने की कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर अगर ये सत्यता पाई जाती है और इसकी पुष्टि होती है कि उनके द्वारा पैसा लिया गया तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि क्या खबर प्रकाशन होने के बाद जिले में बैठे उच्च अधिकारी आवास के नाम पर ठगी करने वाले इंजीनियर पर जांच कराकर कार्रवाई करते भी हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।